हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. टुडे आई एम हेयर विद द सेम चैप्टर. एंड विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है? चैप्टर फर्स्ट वी आर टेकिंग ना, चैप्टर फर्स्ट. ठीक है. एंड चैप्टर का नेम आपका क्या है? हैप्पी फीट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट कर लिया है. एंड बिफोर स्टडी वी हैव डन दीज आंसर्स ऑल्सो, दिस शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है. ठीक है ना. इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोगों ने नोटबुक में कर लिया है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव अबाउट योर वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, सो दोज हु हैव नॉट डन दिस वर्ड मीनिंग इन देयर नोटबुक टुडे, दे विल राइट डाउन देयर वर्ड मीनिंग इन नोटबुक. ओके, सो पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. सडनली, सो वॉट इज द मीन्स ऑफ दिस? ऑल एट वंस. सडनली मीन्स क्या होता है? मीन्स अचानक. कोई भी वर्क आपका सडनली हो जाता है ना, मीन्स सडनली कोई भी चीज़ आपको देखते हैं, सडनली हो जाता है. ऑल एट वंस मीन्स सडनली, एक बार में. ठीक है ना, कभी भी. रीच्ड आपका है, रीच्ड क्या होता है? पहुंचना. ओके, अराइव्ड एट, कहीं भी पहुंचना. जैसे स्कूल रीच करते हैं ना, आप स्कूल टाइमिंग में रीच करते थे ना, अभी तो आप कॉज ऑफ कोरोना डिजीज़ आप नहीं कर रहे हैं, बट स्कूल की या कहीं भी आपको जाना होता है, रीच करना होता है. ठीक है ना, तो उसको हम रीच कहते हैं. नेक्स्ट आपका है टेक अ, टुक अ रॉन्ग टर्न. मीन्स क्या करना? टुक अ रॉन्ग टर्न. देखिए, टुक अ रॉन्ग टर्न मीन्स क्या होता है? जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, सपोज दैट इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एंड आफ्टर सम टाइम बाय मिस्टेक यू लॉस योर वे, मीन्स यू विल बी कन्फ्यूज दैट नाउ वेयर शुड यू गो अहेड, मीन्स आपको आगे कहाँ जाना चाहिए. सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन यू कैन टेक एनी रॉन्ग टर्न. ठीक है ना, आप कोई नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट वे, दूसरा रास्ता आप क्या कर सकते हैं, उसको उस पर आप जा सकते हैं. तो आपका क्या होता है? उसको टुक अ रॉन्ग टर्न. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू गो टू द रॉन्ग वे. ठीक है ना, रॉन्ग वे में जाने को कहते हैं रॉन्ग टर्न. नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट वेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? दिस ऑल आर डन वेट. अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर एनिमल्स. मीन्स वेट किसको कहते हैं? ऐसे डॉक्टर जो क्या करते हैं, एनिमल की लुकिंग आफ्टर करते हैं. ठीक है ना, एनिमल्स को क्या करते हैं? वो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी केयर करते हैं. ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल्स का. नेक्स्ट आपका है गेट वेल सून कार्ड. गेट वेल सून कार्ड, जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि क्या हुआ था, जब टिम्सी नो अबाउट दैट पेंगुइन, देन शी वॉज वेरी अबाउट ऑल्सो विद हर फादर एंड देन सी मेक्स प्रॉमिस टू हर फादर ना सी विल गेट वेल सून कार्ड. ठीक है ना, वो क्या करेंगी? एक गेट वेल सून का कार्ड बनाएंगी, जिससे क्या होगा, वो जो पेंगुइन है वो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी. ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, स्पेलिंग इसकी, अ कार्ड विशिंग अ पर्सन टू गेट वेल सून फ्रॉम एन इलनेस. मीन्स एक कार्ड प्रिपेयर करना, इसके लिए क्या होता है, विशिंग, इसमें विश करना, मीन्स गॉड से विश करना किसी पर्सन के लिए, किसी के लिए भी, क्या होना, टू गेट वेल सून मीन्स उनको जो भी फ्रॉम इलनेस, मीन्स जो भी वो उनको इलनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे उनको क्या हो जाए, उससे वो सेव हो सके. ठीक है ना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट वॉज अ वर्ड मीनिंग. टुडे यू ऑल विल डू इन योर वेयर नोटबुक एंड दोज हू हैव डन दे विल लर्न इट वेल. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्पेलिंग बी. ओके, नाउ यू हैव सम वर्ड्स देयर. इसमें हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स. यहाँ पे आपके जो हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इस वर्ड्स को हमें क्या करना है, रीड करना है. ठीक है ना, स्पेलिंग के साथ. तो फर्स्ट ये जो आपका वर्ड्स है, ये सारा वर्ड्स, दिस ऑल दी वर्ड्स आर फ्रॉम योर चैप्टर. ओके, फ्रॉम द चैप्टर. फर्स्ट यू हैव पेंगुइन, सो यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ पेंगुइन. बिकॉज ऑल्सो, रॉन्ग ऑल्सो, थर्स्टी, नेक्स्ट आस्क, नेक्स्ट नो एंड लास्ट वन यू हैव योर फिल्म. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू रीड दिस वर्ड्स लाउडली विद देयर स्पेलिंग्स. ओके, एंड यू विल राइट डाउन ऑल्सो इन योर नोटबुक. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द लुकिंग एट द पिक्चर एक्सरसाइज. एंड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव एक्सरसाइज फर्स्ट. वॉट आर दिस? लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेजेस 1 and 2 एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन. मीन्स आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने पेज नंबर 1 and 2 में स्टोरी को रीड किया था ना, मैंने भी स्टोरी को रीड किया था, आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग, ऑल ऑफ यू, लेट्स टेक आउट योर पेज नंबर 1 and 2. सब लोग अपने पेज नंबर 1 and 2 को ओपन करके देखिए एंड देन यू विल गेट
some pictures. Are you getting the pictures? So what are you getting? The first picture on page number 1, okay? And now regarding that, you have question. देखिए क्या question है आपका page number 1 से. What is Timsy's father reading? Now students, are you looking the picture on page number 1st? देख रहे हैं आप picture? उसमें क्या हो रहा है page number 1st में? टिम्सी के जो father हैं वो क्या read कर रहे हैं? He has something in his hand ना? क्या read कर रहे हैं? Tell me. Did you find? Yes. Timsy's father was reading a newspaper. क्या reading कर रहे थे वो? Timsy's के father newspaper reading कर रहे थे ना? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए बिल्कुल short answer आपका है. यहाँ पे हम write कर देंगे newspaper. आप book की help से newspaper write कर सकते हैं. ठीक है? Newspaper. Answer क्या होगा आपका? Newspaper. ठीक है? First answer very simple. What is Timsy's father reading? So आप answer लिखिएगा Timsy's father is reading newspaper. ठीक है? कैसे answer write करेंगे? Timsy's father is reading newspaper. Okay? Okay students, so हम लोग क्या read कर रहे थे? आपका answer number first में only आप यहाँ पे newspaper write कर देंगे. ठीक है? Only newspaper. And second यू हैव वॉट इज़ द पेंग्यून ईटिंग मीन्स इसकी हिंदी क्या होगी कि पेंग्यून जो है वो क्या खा रहा है. स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है पेंग्यून क्या ईटिंग करते हैं पेंग्यून स्नो ईटिंग करते हैं ना. बट नाउ बाई टेकिंग अ रॉन्ग टर्न नाउ ही रीज्ड इन द न्यूजीलैंड एंड देयर वॉज नो एनी स्नो. ओके दैट्स वाई ही वॉज ईटिंग द स्नो. तो यहाँ पे आंसर क्या राइट कर देंगे स्नो. ओके ओनली स्नो. और यू कैन ऑल्सो राइट द कम्प्लीट आंसर पेंग्यून इज ईटिंग द स्नो. ओके इन फर्स्ट न्यूज़पेपर इन सेकेंड स्नो. ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज यू हैव अबाउट दिस वन थिंक अबाउट द स्टोरी एंड इट्स योर लेट्स ट्राई टू एंड दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू हैव मैच द फॉलोइंग. ओके मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. इसमें क्या करना है हमें इसमें क्या करना है इसमें आपको यहाँ पे आपके वन साइडेड में कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस हैं कॉलम बी यू हैव सम सेंटेंसेस. ओके तो आपको क्या करना है जो भी कॉलम ए के सेंटेंसेस हैं उसको उनके करेक्ट कॉलम से मैच करना है. ठीक है तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं सी टू द फर्स्ट. हैप्पी फीट लॉस्ट इट्स वे. हैप्पी फीट जो है वो लॉस कर गया अपना वे. कैसे कर गया बिकॉज यू हैव टू मैच बिकॉज इट टुक अ रॉन्ग टर्न वाइल स्विमिंग इन द सी. देन वॉट विल यू मैच यू विल मैच द फर्स्ट वन विद योर बी आंसर. ओके बी के साथ आप मैच कर देंगे. नेक्स्ट हैप्पी फीट स्टार्टेड टू ईट सैंड. हैप्पी फीट जो है वो उसने क्या किया उसने सैंड को ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसका जो ऐसा क्यों किया उसने क्योंकि ये देखिए बिकॉज देर वॉज नो स्नो फॉर इट वेन थर्स्टी. क्योंकि न्यूजीलैंड जो था जो कंट्री वहाँ पे क्या था वहाँ पे अब स्नो नहीं था इवन सैंड था. ठीक है ना तो सैंड वो सैंड ईट करने लगा. नेक्स्ट आपका है पीपल टुक हैप्पी फीट. लोगों ने लोग जो है वो हैप्पी फीट को कहाँ ले गए जब हैप्पी फीट इल हो गया बीमार हो गया सीख हो गया लोग कहाँ ले गए. यस पीपल हैव टेकन टू एन एनिमल डॉक्टर. लोगों ने क्या किया उनको एक एनिमल डॉक्टर के पास ले गए. नेक्स्ट आपका है पीपल नेम्ड इट आफ्टर. पीपल नेम्ड इट हैप्पी फीट. लोगों ने उनका नेम हैप्पी फीट क्यों रखा बिकॉज आफ्टर दी ये देखिए आफ्टर दी पेंग्यून इन द फिल्म कॉल्ड हैप्पी फीट. ठीक है मीन्स फिल्म में जो है हैप्पी फीट जो मूवी थी उसमें एट लास्ट में जो पेंग्यून था उसको नेम क्या दिया गया था हैप्पी फीट का. ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आपके पेज नंबर 3 और 4 के एक्सरसाइजेज हैं और आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वी विल डू दी नेक्स्ट डे. ओके सो दीज आर योर एक्सरसाइजेज फ्रॉम चैप्टर 1st. लेट्स डू इट इन योर क्वेश्चन आंसर यू विल डू इन योर नोटबुक एंड दिस वन यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव टू मैच इट. ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे.